राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय पाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। कलयुग की सत्य घटना है। सेन नाई, एक गरीब परिवार में सेन नाई का जन्म हुआ था। उसके परिवार में कोई भी भक्त नहीं था, ना पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन सेन नाई बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान जी की बहुत ही भक्ति किया करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप किया करता था। सुबह शाम पूजा की, श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा किया करता, नियम से सत्संग में जाता, कीर्तन में जाता और अपना कार्य करता रहता और भगवान की भक्ति करता रहता, भगवान का नाम स्मरण करता रहता पूरे दिन। उनका कार्य था कि उनके पहले से ही, पूर्वज से ही यह चला आ रहा था कि राजा के दरबार में राजा की सेवा सेन नाई के परिवार करते थे। पहले सेन नाई के पिताजी दादा बाबा ने यह सेवा की, अब उनका स्वर्गवास हो गया तो अब सेन नाई की ये जिम्मेदारी बनी कि राजा के दरबार में जाता और राजा की सेवा करता। सेन नाई सभी के अंदर भगवान का स्वरूप मानता था, भगवान का अंश मानता था। वह राजा को भगवान स्वरूप में ही उनकी सेवा करता, उनके बाल काटता, बाल बनाता और उनकी शरीर की मालिश करता। सारी सेवा राजा की सेन नाई बहुत ही मन से करता था। सेन नाई का रोज का नियम था कि रोज राजा के दरबार में जाना और उनकी सेवा करना। सेन नाई बहुत ही मन से भक्ति भाव भक्ति किया करता श्री कृष्ण भगवान जी की। उसके घर में और कोई भी भक्ति नहीं किया करते थे। फ्रेंड्स, घर में कोई भी भक्ति ना करे, अगर एक सदस्य भी भगवान की भक्ति करता है, स्मरण करता है भगवान नाम का, तो सभी का बेड़ा पार हो जाता है। और उस व्यक्ति के पहले कर्म ऐसे होते हैं, ऐसे अच्छे कर्म होते हैं कि उनके प्रभाव से कलयुग जैसे युग में भी भक्त लोग होते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। वे उनके पहले कर्म, पहले जन्म के कर्म होते हैं जिनके प्रभाव से कलयुग भक्ति होते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। इसे नहीं खूब इस तरह से प्रभु भक्ति किया करता और अपना दिनचर्या, अपना दिन का कार्य पूरा किया करता। एक दिन रात को सपने में श्री कृष्ण भगवान जी सेन नाई को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तेरा मंत्र तभी सिद्ध होगा, अब गुरु दीक्षा ले लेगा तभी तेरा ये मंत्र सिद्ध होगा, किसी गुरु की में जाकर दीक्षा ले ले। और भगवान ऐसे बोलकर निर्ध्यान हो जाते हैं। सेन नाई उठता है और सुबह उसके मन में यही विचार आता है कि भगवान ने मुझे दर्शन देकर गुरु दीक्षा लेने के लिए कहा है, तो मैं वह अच्छा सा कोई गुरु ढूंढते हैं और वह अयोध्यापुरी जाते हैं और वहाँ जाकर एक अच्छा सा गुरु देखकर उनसे दीक्षा लेते हैं। और वहीं पर कहने लगते हैं कि गुरु जी, मैं यहीं पर रहकर, ये कहते हैं नहीं, से अभी तेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि तुझे यहाँ रहकर अभी मंत्र जाप करना होगा। दीक्षा तूने ले ली है, मंत्र जाप घर पर करो, लेकिन अभी तुम अपने जीवन के जो भी तुम्हें कार्य मिले हैं उन्हें पूरा करो, अपने गृहस्थ जीवन के सभी कार्यों को पूरा करके आश्रम में आकर भक्ति करना। इस तरह से गुरु सेन नाई को कह देते हैं। सेन नाई वहाँ से चला आता है, अपने घर के आके वैसे ही अपने कार्य पूरा करता है। वैसे ही राजा गुरु दीक्षा लेने के बाद में सेन नाई और भी अच्छे से भगवान की भक्ति करने लगा और कीर्तन जागरण, जहाँ भी श्री कृष्ण जी की भगवान का मंत्र होता, जहाँ पर भी कृष्ण नाम का कोई भी कार्य होता, जैसे कीर्तन है, सत्संग है, वहाँ पर जाता सुनता। एक दिन श्री कृष्ण जी के नाम का कीर्तन हो रहा था और सेन नाई वहाँ पर जाकर इतना खो जाता है श्री कृष्ण जी के कीर्तन में कि उसे ध्यान ही नहीं रहता, उसे राजा के यहाँ पर भी जाना है, राजा के कार्य भी करने हैं। सेन नाई अपने कीर्तन में मगन हुआ रहता है, उसे वैसे शाम हो जाती है तो श्री कृष्ण भगवान जी देखते हैं और सोचते हैं, ये मेरा भक्त कितने मन से भाव से मेरे कीर्तन में लीन हुआ है, मेरे कीर्तन में बैठा हुआ है, और अगर यह राजा के यहाँ नहीं गया तो राजा इसे दंड देगा। स्वयं श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सेन नाई का स्वरूप रखकर राजा के दरबार में जाते हैं और राजा के सभी कार्य करते हैं, बाल काटते हैं, बाल बनाते हैं, उसकी मालिश करते हैं, राजा की मालिश करते हैं। सभी कार्य जो सेन नाई करता था उस दिन के सभी कार्य, सभी सेवाएं राजा की स्वयं श्री कृष्ण भगवान सेन नाई के स्वरूप में आते हैं और करते हैं। उस दिन राजा को भी बहुत ही अजीब सा महसूस होता है कि आज तो इतने कोमल कोमल हाथों से इतने अच्छे से मेरी मालिश हो रही है, इतना आनंद मुझे आ रहा है, आज तो जैसे सेन नाई के हाथों में जादू सा हो। राजा इतना खुश होता है, उस दिन इतनी अच्छी तरह से सेवा होती है कि वह बहुत ही खुश होकर बहुत ही धन्यवाद कहता है, सेन नाई आज तो तुमने बहुत ही अच्छे से मेरी सेवा की है, आज तो मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।
सेन नाई भगवान श्री कृष्ण नाई के स्वरूप में आकर अपना पूरा कार्य पूर्ण कर देते हैं राजा का और चले जाते हैं। उधर कीर्तन में से जब कीर्तन पूरा होता है तो सेन नाई को एकदम से याद आता है कि मैं वास्तव में राजा के यहाँ जाना भूल ही गया, यास तो राजा मुझे बहुत दंड देगा। सेन नाई तुरंत से दौड़ता है अपना बैग लेकर और सेन राजा के दरबार में जाता है। दरबारी देखकर कहते हैं अभी तो सेन नाई गया था फिर दोबारा से आ गया। फिर राजा देखकर कहता है तुम दोबारा से आ गए कुछ भूल गए हो। सेन नाई कहता नहीं राजा साहब आज तो मैं सुबह से आया ही नहीं महाराज जी मैं तो अभी आया हूँ। और राजा कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो तुम तो मेरा सारा काम करके गए हो अभी। तभी सेन नाई के समझ में आ गया कि वह समझ गया वह मैं नहीं मेरे प्रभु मेरे श्री कृष्ण भगवान आए थे जिससे कि मुझे कुछ मुझे दंड ना मिले। आज राजा का कार्य पूर्ण ना होता तो मुझे दंड मिलता और मेरे श्री कृष्ण भगवान स्वयं आए और आपका सारा काम कर कर गए। इतना कहते ही सेन नाई राजा के चरणों में पड़ जाता है और राजा से कहता है हे राजन मुझे बताइए मेरे प्रभु कैसे थे मेरे प्रभु के अद्भुत दर्शन कैसे थे कैसे लगे मेरे प्रभु कैसे मुझे बताइए। राजा के आँखों में भी आंसू आ जाते हैं और राजा सेन नाई को उठाकर कहते हैं तुम्हारी वजह से आज मुझे स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए मेरी सेवा की और मुझे एहसास हो रहा था कि कोमल कोमल हाथों से आज मेरी इतनी अच्छी सेवा सेन नाई कर रहे थे लेकिन मैं नहीं जान पाया कि वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी थे। राजा सेन नाई की कोटि कोटि वंदन करता है और कहता है तुम्हारी वजह से भगवान ने मुझे दर्शन दिए मेरे घर आए और मुझे मेरी सेवा करी पता नहीं मेरे कौन से जन्म के पुण्य थे कि उन और तुम्हारी कृपा से आज मुझे भगवान का दर्शन हुआ और भगवान मेरे घर आए। वह एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान जी कलयुग में भी जो भक्त श्री कृष्ण भगवान जी की मन से भाव से प्रेम करते हैं सेवा करते हैं भक्ति करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों की सहायता करने के लिए कोई भी रूप बनाकर चले आते हैं। उनके लिए कोई जाति भेदभाव कोई अमीर गरीब कोई मान्य नहीं रखता वे तो स्वयं अपने भक्तों के मन का भाव देखते हैं और अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं कि वो उनके लिए कैसी भक्ति करते हैं और भगवान उनकी सहायता के लिए कोई भी रूप धारण करके आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान जी और राधा राधा नाम का स्मरण करने से श्री कृष्ण भगवान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी तो भगवान श्री कृष्ण भगवान राधा नाम से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेम से बोलिए राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय पाल गोपाल की।